चलो इधर कभी पहले बताओ क्या छुच्छु निर्देवता हम कहते हैं हम सब नाच देखने के लिए आया है कि छुनछुनर चुहा मूस के लेकर आए हैं महाराज क्या तुमने छुनछुनर पाल कर रखे हम दोनों बाबू तो नाच देखने के लिए आया है क्या छुनछुनर पालते हैं साला जान से मार देंगे अब कहते हैं महाराज हम नाच देखने के लिए आए हैं नाच देखने के लिए जी चलो साइड में बैठ जाओ साइड में ज्यादा तुम्हें जान से मरना है हमारा राज रोय
खुशी दिखाओ। क्या दिखा मुझे? क्या हो गया तुझे? के बवार भाई लई क्या बवार हो गया? कहां पे पैर से नीचे टी समरई आई के मुझे देख ही लो, मैं तुम्हें दबा करा देंगे। हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे। ये क्या है जानते हो? इसे कहते हैं लोक ढोली। हाँ हाँ, हर मनुष्य के रहते हैं बुआ रे, एकरा कथी कहै छै? मैं अपना नाटक का आगे ले चलते हैं।
मेरा ही नाम चातक सिंह राजा है। मेरा ससुराल खाटनपुर शहर, ससुर जी राम राजा रघुनंदन सिंह, सात भाई का भैयारी जिसके नाम गंगवा छत्री है। राजा रघुनंदन ने एक समय में प्रतिज्ञा किया, जो हौदी पोखर का खुनवाया और हौदी पोखर खुदाने के बाद ये काबड़े किला में ढोरहा में छोड़ दे दिया, देश देश में पात्र भेज दिया। परंतु पात्र सुनकर मैंने जादमपुर से घाटमपुर शहर पहुंचा, मैंने महाराज से बात किया, महाराज आपने देश देश में पत्र भेजे हैं किस बातों के लिए? महाराज ने कहा, जो मेरे पास एक पुत्र है जिसका नाम है बारी, अगर जो कोई इस पोखरी में डुबकी लगाकर इस पार से उस पार चली जाए तो उसी के साथ मैं शादी करेंगे अपनी बारी को। परंतु मैंने टीका उठाया और डुबकी लगाया, एक डुबकी में मैं इस पार से उस पार चला गया। उसके बाद मैंने महाराज को कहा, जी महाराज मैंने आपका प्रतिज्ञा का पूरा कर दिया, परंतु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तैयारी हो जाए। उस बातों के लिए राजा रघुनंदन ने इनकार चले गए। इतनी बातों के लिए मैंने अपनी कमर से तलवार खींचा और राजा रघुनंदन का मैंने सिर छोड़ दिया और बारी के मैंने गोदी में उठाया। ये कि घाटमपुर से मैं जादमपुर शहर चलाया। उस रोज से उस दिनों से ना कोई पत्र आए हैं ना कोई समाज भी आया है। मैं इस वक्त जा रहा हूं अपने महल के पास आराम करने के लिए। आ भैया जी